लोग बड़े करेंगे के हथियारों को सरेआम लाकर एनकाउंटर के नाम पर पुलिस प्रशासन ने गोली मार दी थी। इसी तरीके से बहन मनीषा के हथियारों को भी गोली मारी जाए तभी इंसानों को होगा। बोला सहमत हो इस बात से? और ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि बीजेपी के बैठे ये दलाल कुत्ते हमारे समाज के लोग हमारी आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज को। थ्रस्ट में एक युवती के साथ हुए कांड और बाद में उसकी हुई मौत के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर आज हांसी में दलित समाज व सर्व कर्मचारी संघ ने मिलकर जबरदस्त जुलूस निकाला और योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और SDM ऑफिस में जाकर DC को नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे शहर के अंदर एक जुलूस निकाला, जबरदस्त नारेबाजी की। देखिए एक रिपोर्ट। ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? आज यूपी में आथरस में जो योगी सरकार के मंत्रिमंडल के तहत आथरस में एक दलित कन्या का शोषण अमानवीय तरीके से रेप किया गया। रेप के बाद उस लड़की की जबान काट दी गई और जबान के साथ साथ रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। उसके बाद वो लड़की अपनी जान को दो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन जो रात्रि के अंदर उसका दाह संस्कार किया है, हिंदू रीति के अनुसार भी ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आज तमाम वर्ग उस कन्या को न्याय दिलाने के लिए आज आंदोलन पर है और योगी सरकार में लगातार छोटी कन्याओं के ऊपर शोषण हो रहा है और सरकार मौन धारण। आज ज्ञापन सौंपे उपायुक्त के माध्यम से जिला मुख्यालय पे सौंपे जाएंगे, यहाँ SDM के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। मुर्दाबाद।